अगर ये मासूमियत के पेट में खंजर घोपना ना हुआ तो ये क्या हुआ? क्या हुआ यार? तुम जानते हो मेरे एक लिबास की कीमत क्या है? आप अंदर से एक बदसूरत शख्स हैं। थोड़ा सा चैन चाहिए मुझे बस। छोड़िए, मेरा हाथ सब देख रहे हैं। चले चले। हाय मिस्टर जाहिर, तुम मुझसे मिलने आती हो या मुसव्वरी सीखने? मिस्टर जाहिर, मैं आपकी स्टूडेंट हूं और फैन भी। तो ये मिस्टर जाहिर क्या होता है? सर नहीं बोला जाता? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए कि आज क्या बन रहा है? मैं भूख को पेंट कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आपने जिद्दत पैदा की है सर, और मैंने सुना है कि MF हुसैन भी इसी तरह का काम किया करते थे। ये तुम किनके नाम ले रही हो? एक बात याद रखना, मैं किसी की सोच को फॉलो नहीं करता हूं। मुसव्वरी एक सोच का नाम है और मेरी अपनी सोच है। और ये तुम किन के नाम ले रही हो मेरे सामने? अब सर, आप MF हुसैन साहब को नहीं जानते पेंटर होके? अब मेरा मतलब है कि किस पेंटर से मुतासिर हैं आप? मैं खुद अपने आप से इंप्रेस हूं, ये बात याद रखना होगा कि पेंटिंग के लिए इंसान के अंदर गहराई होना जरूरी होती है, किसी को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। और तुम मुझसे ये जो मुसव्वरी की तारीख पे और ये मुसव्वरों के नाम ले रही हो ना, ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा था लिखा था मैं भूल गया हूं। माय गॉड सर, आपने किसी को फॉलो नहीं किया, तरबियत हासिल नहीं की और इतना पक्का होना रखते हैं आप। आई एम हाईली इंप्रेस्ड। मैंने कहा ना कि इस हुनर के लिए गहराई होना बहुत जरूरी होती है जी। और आइंदा इन उल्टे सीधे पेंटर्स का नाम मेरे सामने मत लेना। सॉरी सर, आइंदा नाम नहीं लूंगी। सर हाँ, चाय पियोगी? हाँ, कहने का मतलब यह है कि चाय मुझे खुद बनानी होगी। वो किचन उस तरफ है जी। सर, पिछले हफ्ते आपने एक 2-3 दिन के बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसके पेट में एक जालिम आदमी खंजर घोंप रहा था और बच्चे की सारी आंतें बाहर आ गई थी। और उस पेंटिंग का नाम मैंने रखा था मासूमियत के मुस्तकबिल। थी तो सिंबॉलिक पेंटिंग, लेकिन सर आपके ख्यालात में वो मासूमियत का मुस्तकबिल कैसे हो सकती है?
आजकल हो क्या रहा है? बात बात पर हुकूमत महंगाई किए चले जा रही है, किए चले जा रही है, और लोग उस महंगाई का बदला मासूमियत से लेते हैं। वो कैसे सर? अरे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं, कचरा चुनने पर लगा दिए जाते हैं, भीख मांगने पर लगा दिए जाते हैं, सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ दो वक्त की रोटी। और तो और ये 13-14 साल के बच्चे सड़क पे फिरने वाली दो नंबरी लड़कियों को ना घर ले जाते हैं पैसे देकर। शर्म आती है मुझे इस माशरे पर। और उन मुस्टंडों को शर्म नहीं आती जो पैसे देकर इन बच्चों से मालिशें करवाते? और जानती हो जब ये बच्चे थक जाते हैं और घर जाते हैं तो क्या करते हैं? चरसे लगाते हैं, हेरोइन पीते हैं ये। अगर ये मासूमियत के पेट में खंजर घोपना ना हुआ तो ये क्या हुआ? क्या हुआ यार? सर, आप तो बहुत इनकलाबी किस्म के मुसव्विर हैं। आई लव योर वर्क सर। लाला यार गरम गरम चाय मांगी थी तुमने, बुढ़ी औरतों जैसी ठंडी चाय दे दी, जाके दूसरी ला। जाली लोगों की जाली बातें। कहती है आई लव योर वर्क। इंसान कितना ही ओरिजिनल काम करने की कोशिश कर ले, मस्नूई तारीफें सारे काम का बेड़ा गर्क कर देती हैं। ना कहीं सुकून है, ना कहीं आराम है। मुझसे अच्छे तो मुर्दे ही होते हैं, कम से कम उनको यह तो पता होता है कि कब्रिस्तान जाना है। मैं तो साला अपने कंधे पर अपनी लाश लिए इधर से उधर फिरता जा रहा हूं। तेरा मसला क्या है भाई? हर वक्त नाराज हुए रहता है। तेरा नाम जाहिर नहीं, बरहम होना चाहिए। जब देखो जिससे देखो बरहम। मेरे एक बात समझ नहीं आती। अरे अगर मैं बरहम रहता हूं तो अपने आप से रहता हूं ना, किसी को कुछ कहता तो नहीं हूं। पता नहीं जिंदगी कब चैन देगी। थोड़ा सा चैन चाहिए मुझे बस। तुझे चाहिए क्या? देखो वही, मुझे कोई अरमान नहीं कि मेरे पास महल हो, मेरी तिजोरियों में बहुत सारा पैसा हो। तू आर्टिस्ट आदमी है और तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती। ये बातें अफसानों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, आम जिंदगी में ना ऐसी कोई बातें करता है और ना कोई समझता है। अरे तो कैसी बातें करूं? जैसी सब करते हैं यार। मिसाल तौर पे दोस्त यार खाना कहाँ खाएंगे, या पीने की जगह कहाँ है, या मुफ्त की छोकरी कहाँ से फंसेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की 10,000 हंसी मजाक की बातें होती हैं यार। तुम आम लोग होते हो ना, बड़ी आमियाना बातें करते हो, इसलिए मैं आम आदमी नहीं बनना चाहता। ठीक है भाई, तू बना बैठा रहे खास आदमी। मुझे मेरी तस्वीर दे दे और ये पकड़ अपने पैसे। कितने? 5। ये तस्वीर है और मैंने इसका नाम रखा है भूख। ये लो एक और खौफियाती हुई तस्वीर। खैर ये भूख, इफलास, कत्लो गारत गरी, कोई अच्छी तस्वीरें बनाया करें यार। कोई फूल पत्ती की तस्वीर बना, कोई समंदर का किनारा शिनारा, कोई लौंडिया शौंडिया। ये क्या खौफियाती हुई तस्वीरें बनाता है भाई? ये लो अपने पैसे और जाओ वो बंस रोड
बंसरोड की गलियों में बैठे होते हैं, वो 25-25 रुपए में चांद सितारे फूल और ये समंदर के किनारे बनाने वाले, मुझे नहीं करना तुम्हारे लिए काम। अच्छा भाई नाराज क्यों हो रहा है, जैसी मर्जी तस्वीर बनाना है बना, मैं बेच लूंगा। आजकल लोग ऐसी तस्वीरों के पीछे पागल हैं। अच्छा रखिए, और मुझे इजाजत, मुझे निकलना है। खाना तो खा लो यार, टाइम नहीं उस्ताद, देर हो गई। See you then. Thank you for this. सर, अच्छे खासे फूल जला दिए आपने। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये फूल तुम मेरे लिए लाई थी और मैंने इनको तुमसे लेकर आग में डाल दिया। सर, आपने इस तस्वीर का नाम हराम क्यों रखा है? मेरे समोसे ठंडे हो रहे हैं, मैं तेरा वो खा लो फिर बताता हूं। सर अभी बताइए ना। अरे बैठो, मैंने कहा बैठो। तो ये बताओ कि हमें खुदा ने जिंदगी क्यों दिया? खुदा ने जिंदगी हमें इसलिए दी है सर कि हम इसे एंजॉय करें, खुश रहें। एंजॉय? अरे तुम लड़कियों के पास एंजॉय करने के अलावा कुछ और होता है? जब देखो एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बेवकूफ औरतें। एक्सक्यूज मी सर, लैंग्वेज प्लीज। लैंग्वेज? अगर तुमने सीखना है तो सीखो, वरना बोला बाहर का दरवाजा, जाओ यहां से। मैंने कहा समोसा खाओ। खाओ वरना बाहर जाओ। सर अब अगर आपने मुझे एक बार भी जाने के लिए कहा ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं जाओगी। सच्ची कदरदान हो मेरी तो। सर आप कुछ बता रहे थे। हाँ, ये जो जिंदगी है ना, ये खुदा ने हमें उसकी इबादत करने के लिए दिया, सिर्फ उसकी इबादत। और इबादत क्या है? नूर है, खुशबू है। नूर तो हमें नजर नहीं आता मगर इन फूलों से हमें खुशबू जरूर महसूस होती है। वाओ, आगे सर। एक फूल सी जिंदगी सिर्फ इसलिए होती है कि बंदा खुदा की इबादत कर सके। ये बताओ कि आग क्या है? आई डोंट नो सर, आप बताइए। आग, आग शैतान है, इसीलिए जहन्नुम में आग भरी पड़ी है, मगर इबादत करने वाले पर जहन्नुम हराम है। और इसी तरह अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले यानी खुदकुशी करने वाले पर जन्नत हराम है। अब इधर देखो, देखो
देखो ये फूल जिंदगी है, नूर है, खुशबू है, याग जहन्नुम है, और ये फूल से जिंदगी जल रही है तो हुआ ना हराम। लेकिन सर आप अपने आर्ट के बारे में एक एक बंदे को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। आर्ट तो ऐसा होना चाहिए कि जो देखे पहचान जाए। तुमने अब तक मुझसे ये सीखा है? अरे वो आर्ट ही क्या जो आसानी से समझ आ जाए। चलो चलो यहां से, जाओ यहां से। कौफ लड़की, पान आदाब। नहीं मैं नहीं खाता। मैं, अरे आप तो कुछ बोलते ही नहीं। मैंने कहा आते जाते रहा करें और इनको भी लेकर आया करें, नाच गाना देखेंगे तो बोलना भी आ जाएगा तो और कुछ भी सीख जाएंगे। अरे अलमाज बेगम, हमें तो तुमने कभी कुछ तो सिखाया। अरे आप तो सीखे सिखाए हैं, ये नए लगते हैं। Anybody home? अरे ये मेरे साथ इंग्लिश इंग्लिश मत झाड़ा करो। This is for you. फूल मेरे लिए। सर आपके अलावा कोई और है यहाँ पे? कितनी बार बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज भी रहा, मगर किसी ने मुझे कभी फूल नहीं दिया। द वाइफ? लेकिन सर ये तो गंदे नाले की तस्वीर है, लेकिन इसमें द वाइफ कहाँ है सर? ओ तो ये गंदा नाला द वाइफ है। छी 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 क्या मतलब? अरे मुझे इस तस्वीर को बनाने में कोई 3-4 दिन लग गए, तुम कह रही हो छी छी छी? सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि पेंटर्स हमेशा औरत को सेब से तशबीह देते हैं, आपको अगर तवाइफ ही बनानी थी तो कोई गला सड़ा सेब दिखा देते या और बहुत कुछ है बनाने के लिए। पेंटर्स औरत को सेब से तशबीह देते हैं, मगर जो तवाइफ मैंने देखी है ना रात को, उसमें औरत कहीं नहीं थी दूर दूर तक, वो एक गंदे नाले की मिसाल ही थी जिसमें मर्द अपने घर का कचरा लाकर फेंकते हैं बस। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक तवाइफ के पीछे बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, जैसे उनके खराजात, उनकी अपनी भूख, उनके बच्चों की भूख और मर्दों की ब्लैकमेलिंग वगैरह। hey, 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 प्लीज मुझे ये लेक्चर नहीं सुनने। बच्चों की भूख, मर्दों की ब्लैकमेलिंग, तुम क्या समझती हो बच्चों को वो लोग पालती हैं? तो और कौन पालता है सर? ऊपर वाला पालता है, उसका वादा है
और जितना जिसके नसीब में लिखा होता है उसको मिलता है, कोई भूखा नहीं सोता, रोटी दहलीज पर चलकर आती है, ये मेरा ईमान है। आपसे कौन बहस करे सर? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम लोग कि तुम लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना होता है, 5-स्टार होटल्स में डिनर करने होते हैं, फेशियल किट चाहिए होती है, महंगी महंगी फैशनेबल कपड़े चाहिए होते हैं, सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल होती हो तुम लोग और बस। नहीं चाहिए तुम लोगों को ये सब चीजें? सबको नहीं सर। तो वो सब औरतें भी तबाइफें नहीं होती जो घरों में बैठती हैं, अल्लाह तवक्कुल रखती हैं, वो तबाइफें नहीं होती, अच्छी औरतें होती हैं वो। अरे थोड़ा मिलता है, देर से मिलता है, सवेर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो अल्लाह तवक्कुल नहीं करता वो कचरा है, कचरा बस। ओके, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना सर, तो दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी आप देख रहे हैं। एक बात याद रखना मैं सुना कि हर एक की आंख से दुनिया मुख्तलिफ नजर आती है। एनीवे, प्लीज चेंज द टॉपिक सर, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। मुझे देखिए सर, मैं पहली दफा आपसे कुछ मांग रही हूं, इनकार मत कीजिएगा। क्या सर? वो आपका प्रमोटर है ना वहीद? हाँ सर, उसके साथ मिलकर मैं आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहती हूँ। प्लीज सर, मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन? ठीक है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। मैं चाय बना के लाता हूं। आप बनाएंगे आज? ग्रेट, यस। ये तस्वीर जाहिर ने बनाई है, बल्कि ये जितनी भी एग्जीबिशन है ये जाहिर की पेंटिंग्स की है। देखिए आप उनकी फैन हैं, आपको कोई पेंटिंग पसंद आती है तो मैं आपको डिस्काउंट कर दूँगी इस पर। ये वाली पेंटिंग जो है ये 3 लाख की है और आपको मैं ये 250 में कर दूँगी, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर आइए मेरे साथ, ये वाली देखिए। ये पेंटिंग कैसी लगी आपको? ये 200,000। Excuse me, sir. जी. Autograph, please. दुनिया में भी आर्टिस्टों का काम सिमिलर होता है। आप देखिए इसके कलर कॉम्बिनेशन, हालांकि तस्वीर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, इट्स अ क्लोज अप डोर एंड देयर इज समथिंग एल्स। थैंक यू सर, नाइस पेंटिंग। थैंक यू। लगता है शायद इट्स माइंस के सर के लिए। फंसा दिया तुमने मुझे। क्या हो गया सर? आहिस्ता। एक्सक्यूज मी सर, यू आर ग्रेट। ऑटोग्राफ प्लीज। अभी तो दिया मैंने आपको ऑटोग्राफ। चलो एक काम करें, हाथ पे दे दें। हाथ पर? हाथ पर क्यों?
अच्छा चलिए छोड़ें, एक तस्वीर तो खिंचवाएंगे ना मेरे साथ प्लीज। तस्वीर में प्लीज सर, प्लीज इनकार नहीं करिए। हुमा सर आओ। अरे ये क्या कर रही हैं आप, ये मोबाइल से तस्वीर खींच रही हैं? मेरी औकात ये कि आप मोबाइल से तस्वीर खींचेंगी मेरी? तो घर चलें, कैमरे से तस्वीर खिंचवा लेते हैं। क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप, लड़कियों के आपको शर्म नहीं आती आप इस तरह की बातें कर रही हैं मर्दों से? अभी इतने सारे लोग नहीं होते ना, मैं आपको बताता। क्या हो गया आपको, पागल वागल तो नहीं है आप? इतना इतना किस बात का कर रहे हैं आप? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, फैल जाते हैं। जरा से लिफ्ट क्या करा दी, आओ। हो क्या गया आपको, लड़कियां आके आपके पास रुकती है और आप भगा देते हैं उन्हें। मुझे घिन आती है ऐसी औरतों से जो इतनी बुरी बुरी नजरों से देखती है, उसकी बातें सुनिए तो मैं क्या बातें कर रही थी वो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपकी एग्जीबिशन है, प्लीज डोंट डू दिस। क्या मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना, मुझे नहीं खड़ा होना इधर, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे 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 प्लीज घर छोड़कर आ जाएं, मुझे नहीं बैठना। सर आपके लिए लोग अभी तक आ रहे हैं, प्लीज ना करें इस तरह। आप अपने नाम से चला लें शो। प्लीज कोई सीट क्रिएट मत करो यार, अभी इतने सारे मेहमान आए हैं। वही प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी मेहमान से, मुझे इस तरह की औरतों से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे घर छोड़ कर। सर सर मैं अपने नाम पे कैसे चलूंगी सर, प्लीज और सर अगर कभी आपको अपने आर्ट की कदर हो जाए ना, तो ऐसी तीन गाड़ियां हो, तीन आपके पास। हुमा मुझे अपनी तस्वीरों से 5-7-8 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, और अगर मैं 2-3 बेच लेता हूँ तो मेरे महीने का गुजारा भी हो जाता है। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए होते हैं, एक रहने की जगह चाहिए, मेरे ब्रश, मेरे रंग, मेरे कैनवस, ये सब कुछ हो जाते हैं तस्वीरें बेच कर। मुझसे नहीं ऐसी जगह पर आया जाता, तुम मेरी बात समझो। तुम्हें पता है मेरी सबसे महंगी तस्वीर आज तक कितने की बिकी है? 50,000 रुपये की। और वो भी जानती हो क्यों बेची मैंने इतनी इतनी महंगी? इसलिए कि मेरा एक दोस्त था शकूर, उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी और ऑपरेशन होना था, उसको पैसों की जरूरत थी, उसके लिए बनाई थी वो पेंटिंग और वो सारे पैसे ले जाके उसके हाथ में थी। बस सर एक बात बताइए, क्या बाकी लोगों की तरह आपका दिल नहीं करता कि आपके पास दौलत हो, आप अपनी पेंटिंग्स बेचकर दौलत हासिल करें? करता था उमा, एक वक्त था जब बहुत करता था, बल्कि हुआ भी है। मेरा एक प्रमोटर था वहीं से पहले, उसने मेरी एक पेंटिंग 1,00,000 रुपए में बिकवाई थी, बल्कि उसका तो सारा पैसा उसने मुझे एडवांस दे दिया था। फिर वो पैसा मैं घर लेकर आया, मैंने टेबल पर रखा, पूरी रात उसको देखता रहा। जानती हो मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टेबल पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। और फिर मैंने उस रात को एक तस्वीर बना डाली। उस तस्वीर में क्या था सर, क्योंकि आपकी सारी पेंटिंग्स सिंबॉलिक होती हैं। यहाँ से जाना है, यहाँ से। सॉरी सर। उमा मैंने यहाँ से वापस वापस जी। मैंने एक बुढ़ी कुसट औरत की तस्वीर बनाई, उसकी झुर्रियां देखकर दहशत आती थी और उसके जिस्म में छोटे छोटे सुराख थे जिसमें से कीड़े उबल रहे थे। मुझे भी देखकर बहुत कराहियत आई थी। बस वो रात थी, मुझे पैसे से नफरत सी हो गई, अजीब अजीब सी उलझन होती है पैसा देखकर। फिर सर? बस फिर क्या, मुझे लोगों ने इनकलाबी मुसव्विर कहना शुरू कर दिया। सर वैसे जितने बड़े आप आर्टिस्ट हैं, उतना उतना फेम क्यों नहीं मिल पाया आपको, कभी सोचा है आपने? देखो माँ, हम जैसे इनकलाबी मुसव्विर जो होते हैं ना, जिनको इनकलाबी मुसव्विर कहा जाता है, उनको लोग मरने के बाद पहचानते हैं, उससे पहले नहीं। बस ये मेरा घर आने वाला है, यहाँ थोड़ा इस तरफ। बस 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 बस, यहाँ ये मेरा शीश महल आ गया है,
जी थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वापस लाने का। It's okay. मैं चलता हूँ। सर एक सवाल पूछूं आपसे, लास्ट क्वेश्चन। सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है तो शुक्र करो हुमायूं, ये सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं है। गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह क्यों आ जाती हो? तुम्हें कोई काम नहीं है घर पे? पहले आप मुझे ये बताइए सर, क्या आप दरवाजा खुला छोड़ के सोते हैं क्या? लॉक तक नहीं किया हुआ? तो स्टूडियो में है क्या जो कोई चुरा के ले जाएगा? और तुम इस तरह मत आया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। सर मैं रात को इस घर में हमेशा आने की बात कर रही थी और आज आप क्या बकवास कर रही हो मेरे साथ? हाँ क्या प्यार व्यार का नाटक रचा रहा है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नफरत आती है मुझे प्यार के नाटक रचाने वाले लोगों से। क्या हो गया सर आपको? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो जो रात को बकवास तुम करके गई थी ना, एक जुमला अपने आप से कराहियत दिलाई है तुमने मुझे। वो जुमला नहीं था सर। तो क्या था वो? क्या था वो? तुम्हारे अंदर के जज्बात थे? झूठ बोलती हो तुम। चलो चलो यहां से, उठो जाओ। आप प्यार के काबिल ही नहीं है सर। जिसको आप मेरा जुमला बोल रहे हैं ना, वो मेरा खलूस से भरा हुआ एक सवाल था आपके लिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि आप अंदर से एक बदसूरत शख्स हैं। दुनिया इतनी बदसूरत, इतनी खौफनाक नहीं है सर जितनी आपको दिखती है। इस जहान में इतनी सारी खूबसूरतियां भी हैं, लेकिन जो अंदर से खूबसूरत होता है ना सर, सिर्फ वो शख्स उस खूबसूरती को देख सकता है। आपको सिर्फ वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, जो आप अंदर से हैं। प्यार से आपको घिन आती है ना? प्यार का इजहार करने वाले आपको नाटक करते दिखाई देते हैं ना सर? प्यार से कराहियत आती है आपको? प्यार जैसी खूबसूरत चीज इस दुनिया में नहीं है। और ये चीज आपकी साफ साफ नजर आती है कि आप अंदर से एक बदसूरत शख्स हैं। झांकी अपने अंदर, एक बार झांकी। आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगी यहां। याद रखिएगा सर, मैं आइंदा यहां कभी नहीं आऊंगी। Thank you.
शायद ये लड़की ठीक कहती है। सुना तो मैंने भी यही है कि जिसके अंदर जैसे जज्बे होते हैं उसे दुनिया वैसी नजर आती है। अगर ये दुनिया बदसूरत नहीं तो क्या ये बदसूरती वाकई मेरे अंदर है? बदसूरती, भयानकपन, वहशतें, उदासियां, वाकई ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या वाकई मैं अंदर से बदसूरत हूं? क्या वाकई मेरे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है? आज मैं खुद में झांकूंगा और फिर देखता हूं कि मुझ में क्या है। आज मैं अपनी तस्वीर बनाऊंगा। तो मेरे अंदर तुम हो, यकीन नहीं आ रहा इतनी खूबसूरती मेरे अंदर भरी है। How you been? Fine. Shopping? Of course. खवातीन तो shopping करती ही रहती हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो खवातीन की चीजें मिलती हैं सब। अरे भाई, हम मर्द हैं तो क्या हुआ? हमारे ताल्लुकात तो खवातीन से हो सकते हैं। Oh, I see. अच्छा, आपके वो बरहम मुसव्विर कैसे हैं? आज मैं वहाँ गई नहीं। In fact, आज के बाद जाऊंगी भी नहीं। ओह,
ऐसी तो कोई आप भी वहाँ से बेजार होके भाग गए। बड़े स्टूडेंट्स बने इसके, लेकिन साहब के मिजाज की बरहमी ख़त्म ही नहीं होती, ज़्यादा स्टूडेंट्स वो चक्कर हो जाते हैं। वहीद साहब ज़ाहिर अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दुनिया की बदसूरती ने उसकी रवैये की अच्छाई को ढस लिया है। उससे डील करना इम्पॉसिबल सी बात है। आज बड़े दिनों बाद उसका जिक्र हुआ है, याद आ रहा है, आज जाऊंगा उसके पास। सो कंटिन्यू शॉपिंग। कैसा बेमुरव्वत दोस्त है यार तू, कभी भूले भटके आदमी फोन कर लेता है यार, तुम तो गायब ही हो जाते हो बिल्कुल। मेरे पास फोन नहीं है। बड़ी कमाल की बात है वैसे। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चाय लेकर आता हूँ ना। चीनी मत डाल देना मेरी चाय में। वो बात सुन, ये तुमने बनाई? अच्छा चाय वाय छोड़ यार, तू इसकी पेमेंट ले ले मुझसे। नहीं भाई, ये मैंने बेचनी नहीं है। नखरे क्यों कर रहा है? मुझे पता है रेगुलर से बड़ा साइज है, 20,000 रुपये दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बेचनी है ही नहीं, ये मैंने अपने लिए बनाई है। अपने लिए बनाइए, क्या करेगा भाई इस तस्वीर का? अच्छा बात सुन, 50,000 रुपये ओके? मैंने कहा ना मुझे नहीं बेचनी है तस्वीर, कि मेरी तख्लीक है यार, मैंने अपनी जात को तलाश किया इसके अंदर, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तेरी बातों में इतना ड्रामा क्यों होता है, इतनी ड्रामाई बातें क्यों करता है भाई तू? अच्छा आखिरी बात कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपये दूंगा, इनकार मत करना बस ओके? अरे मुझे नहीं बेच रही है तस्वीर, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा? अजीब आदमी हो तुम। सर ये तस्वीर मुझे पसंद आई है और मैं इसे हर कीमत पे खरीदना चाहता हूँ, 3,00,000 रुपये दे रहा हूँ उसके पास। हाथ मत लगाना, से हाथ मत लगाना, मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। जाहिर जाहिर, मैं तुम्हारा प्रोमोटर हूँ, तुम्हारी सारी तस्वीरें खरीदता रहा हूँ, वो भी जो मुझे पसंद नहीं आती थी। अच्छा 300 ऊपर कर लेंगे कौन? अरे निकलो यहाँ से, चलो बड़े आए प्रमोटर। देखो जाहिर, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, प्रोमोटर हूँ। अरे चलो चलो लंबे बनो, अब अगर इसके बारे में एक बात भी की ना तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझसे शिकायत मत करना आगे। तू वाकई नाराज हो गया? अरे चाओ यार यहां से चाओ, दिमाग खराब कर रहे हो मेरा तुम। मैं तुमसे कह रहा हूं ये मेरी जात है और तुम साला इसके पैसे बढ़ाए चले जा रहे हो, अजीब आदमी हो तुम। ओके ओके काम डाउन, कूल डाउन मैन, साला सारा मूड खराब कर दिया। व्हाट इज दिस? यार ये तो बड़ा जबरदस्त एक कंटेम्प्रेरी आर्ट का नमूना है भाई, ये पता कितने का? नहीं या तो अपना सर पीट लूंगा या तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, नहीं बेचना मुझे ये इस कपड़े से मैंने अपने हाथ पोछे थे, मैंने रंग पोछा है। हाँ तो भाई कपड़े ही है ना, तस्वीर तो नहीं है, हाथ ही पोछे ना इससे। एक मैं इस तस्वीर के सदके में ना इस कपड़े के भी 1,00,000 दे दूंगा सर। देखो वहीद, इस तस्वीर की तख्लीक में इस कपड़े की भी उतनी इज्जत है जितनी इस तस्वीर की है, लिहाजा मैं इस कपड़े को बेचना नहीं चाहता। चलो तुम यहां से जाओ यार, तुमने मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, चलो यहां से। हर चीज खरीदना चाहते हैं, हर चीज खरीदना चाहते हैं।
बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। शायद ही अपने आप को दरियाफ्त कर लेने का सुकून है। अगर ये लड़की मेरे जहन में है तो कहीं ना कहीं ये लड़की मौजूद जरूर होगी। इसका वजूद होगा, यह सिर्फ मेरे ख्यालों में नहीं हो सकती। मैं इस लड़की को ढूंढूंगा। अब मैं अपने आप को तलाश करूंगा। बस ये आपने इस लड़की को आते जाते देखा? अरे कौन हो तुम? किस मुल्क की शहजादी हो? महारानी हो या किसी बड़े आदमी की बेटी हो? ना जाने किस मुल्क में हो, ना जाने इस मुल्क में हो या किसी और मुल्क में। कैसे बोलती होंगी, कैसे हंसती होंगी? तुम मिल जाओ तो कितना अच्छा हो। मगर नखरे बड़े होंगे तुम्हारे। जाहिर है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। बैठे कहां? बैठे यहां, बैठे यहां। यहां बैठेंगे तो हमारा लिबास खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है हमारे लिबास कितना कीमती है? खैर, हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को है किचन में? नहीं नहीं, किचन में कुछ भी नहीं है। खाने पीने को भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर की हालत देखो, किचन की हालत देखो और हमें देखो। चलो, अगर तुमने मुझे ढूंढ भी लिया तो तुम मुझे खिलाओगे कहां से, रखोगे कहां? यहां इस घर में? कितनी कितनी बुआ है तुम्हारे इस घर में? मुझे पहनाओगे क्या? हाँ, मगर तो मेरा प्यार हो। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार के अलावा भी बहुत चीजों की जरूरत होती है। प्यार तो तुम मुझसे करते हो, मगर वो सब कुछ, पहले वो सब कुछ ढूंढ लो, फिर मुझे ढूंढ लेना।
मैं भी कितना पागल हूं, आखिर किस उम्मीद पर आने जाने वाली औरतों में उसे ढूंढ रहा हूं। उसका तो नाम भी नहीं पता मुझे, कैसा नाम होगा उसका? छोटा सा, प्यारा सा, जैसे शहजादियों के होते हैं। जाने किस हर्फ से शुरू होता होगा उसका नाम। कैसी हो? ठीक हूं। आप मुझे यहां तलाश करने आए हैं? तलाश तो मैं किसी और को कर रहा हूं, लेकिन अच्छा हुआ तुम मिल गई मुझे। मैंने एक चीज बनाई है, मुझे तुम्हें दिखानी है, चलो। ऐसा क्या बना लिया आपने जो? अरे तस्वीर बनाई है बहुत खूबसूरत, तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी है, चलो आज। सर छोड़िए मेरा हाथ, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। देखो नाराजगी बंद करो और खत्म करो ये सब कुछ, चलो। सब छोड़िए मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। अरे देखने दो सबको। सब क्या? छोड़िए मेरा हाथ। अब आओ। सर आज आपका रवैया बहुत बदला बदला लग रहा है और काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। इसकी वजह से? इसमें क्या है सर? इसमें मैं खुद हूं, दिखाऊं? हाँ। ये कौन है सर? ये लड़की है। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अंदर से खोजूं, टटोलूं, मैं भी तो देखूं कि मेरे अंदर क्या है। तुमने कहा था ना कि मेरे अंदर बदसूरती भरी है, जो इन हाथों के जरिए इस कैनवस पर आती है। वो तो ऐसे ही बस, वो मैं बस मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि मेरे अंदर कोई खूबसूरती है भी कि नहीं, और फिर निकली ये। सर ये आपका विजन है या वाकई आपने किसी को देखा है? देखा तो नहीं है, मैंने खुद बनाई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। मैं इसे तलाश कर रहा हूं। तलाश करने की क्या जरूरत है सर? अरे इंसान अपने आप को क्यों तलाश करता है? मैं भी खुद अपने आप को पाना चाहता हूं। ये तो एक आम सी तस्वीर है आपका, आपका ख्याली पैकर। ऐसे मत कहो, ये लड़की मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है, मेरे लाशऊर में, इसीलिए तो मैंने इसे पेंट किया है। और इस बड़ी सी दुनिया में एक ना एक दिन ये लड़की मुझे जरूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। बस तुम दुआ ये करो मां कि ये हम जबान हो, मेरी बात समझ जाए, किसी मुल्क की शहजादी ना हो, क्योंकि अगर ये किसी मुल्क की शहजादी हुई तो मेरे लिए इसे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? जी। ये बताओ है कैसी? अच्छी है ना? जल गई मुझे क्या? ये मुझे क्या हो गया? मैंने तो उसे देखा था, मगर ये तो कोई और है। मेरा दिमाग, मैं सटिया गया हूं। कोई मुझे जेब कतरा समझता है, कोई लोफर। क्या मैं शक्ल से ऐसा लगता हूं? मैं सटिया गया हूं।
क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अबे जेब काट रहा है। अबे जेब नहीं काट रहा भाई, मैं किसी को तलाश कर रहा हूं। चल चेकिंग करा। अरे जेब काट के जा रहा है साले। भाई मैं जेब काट रहा नहीं हूं। चुप बे, शक्ल से ही तू जेब काट रहा लगता है। ये क्या, ये क्या, ये पैसे निकाले तूने मेरे? अरे मेरे पैसे? तेरे पैसे? अरे रख लो भाई, तू रख ले, रख ले, मुझे माफ कर। तमीज नहीं किसी चीज की। I'm sorry, I'm sorry, मैं समझा कोई और है। It's okay. भैया आपका मोबाइल मिल सकता है एक कॉल करने के लिए? देखिए मैंने बहुत पीसीओ ढूंढा, मुझे मिला नहीं है। एक कॉल की बात है, मैं यहीं खड़े होकर कर लूंगा। मैं तो आपको जानता नहीं हूं, मैं कैसे दे दूंगा? भैया बेफिक्र रहे, मैं चोर नहीं हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बस एक कॉल यहीं पे, आप कहेंगे मैं पैसे दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं यहीं खड़ा हूं। शुक्रिया। हेलो। हेलो, हाँ हुमा, सो रही थी क्या? व्हाट, हूज देयर? मैं बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं, जाहिर। सर आप? सर वो एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी। कोई बात नहीं, अगर तुम सो रही थी तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल फोन कर लूँगा। सुनिए सर, बताइए, इज एवरीथिंग ओके? बस वो एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम सो रही हो, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। अब तो जाग गई हूँ सर, बताइए। वो मुझे पूछना था कि अगर वो कोई अमीरजादी हुई तो वो मुझे क्या कबूल कर लेगी? सर आपने इस वक्त मुझे इतनी सी बात करने के लिए फोन किया? अरे इतनी सी बात नहीं है, मेरी रातों की नींद उड़ी और तुम कह रही हो कि इतनी सी बात है। क्या वो मिल गई है? नहीं मिली तो नहीं है, लेकिन मुझे मिल जाएगी वो। तुम ये बताओ कि अगर वो मुझे मिल गई तो क्या वो मुझे कबूल करेगी? मेरा मतलब है वो जिस रहन-सहन की होगी, अमीर लड़की होगी, तो मेरे पास तो सिर्फ एक कमरा है, ना खिलाने को कुछ, ना पिलाने को कुछ, वो मेरे साथ रहेगी? अजीब बातें कर रहे हैं सर आप, आपके सर से ये भूत कब उतरेगा? अरे ये कोई भूत भूत नहीं है, ये एक अहम सवाल है। तुम बस ये बताओ कि मेरी नींद अब इतनी भी फालतू नहीं है कि आप मुझसे ये पूछने के लिए मुझे जगा दें। Are you drunk? I mean, आपने कुछ पी रखा है सर? What? तुम पागल वागल तो नहीं हो? अगर नींद इतनी अहम है ना तो जाके सो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये लड़कियां समझती क्या अपने आपको? आपका फोन, थैंक यू। पता नहीं क्या बकवास कर रही है मेरे साथ। मैंने समझा मुझे कुछ कहने के लिए फोन किया रात के इस वक्त। साइको, दूसरी लड़कियों की बातें कर रहा है मुझसे। अच्छा अच्छा, इसमें मैसेज अगर मुझे करना हो तो वह कैसे? मेन्यू में गए, ये राइट मैसेज ऑप्शन, यहाँ जाके आपने कर्सर आ गया, मैसेज लिखा आपने इस कीबोर्ड से,
और सेंड कर दो। और देखो जब सेंड करोगे तो यहाँ पे सर्च लिखा जाएगा। सर्च मतलब अपने फ़ोन बुक में देखो किसको भेजना है। इज गोइंग टू द फोन बुक, जितने भी नंबर ऐड होंगे आ जाएंगे। जिसको भी सिलेक्ट करना किया सेंड इट। गुड गुड फिट है। अच्छा ये गए ऐसे मैसेज मैसेज ये मैं। अच्छा अच्छा और अगर मुझे तस्वीर खींच के भेजनी हो। हाँ हाँ श्योर जी। देखो ये कैमरा में गए तस्वीर खींची, जैसे तस्वीर खींचोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा इधर सेव और सेंड। आपने सेंड कर दिया, सेंड कर दिया फिर वही सर्च आ गया। सर्च का मतलब अपने फ़ोन बुक में सर्च करो किसको भेजनी है, सिलेक्ट एंड सेंड इट। सेट है यार। से एक बात बता, तुझे हुआ क्या है? तू इन सब चीज़ों से भागता था यार। बस ये समझ लो कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तुम्हारे समझ नहीं आएगी छोड़ो। ये अच्छी टेक्निकल फॉल्ट है भाई, जिसमें फॉल्ट होने के बाद मशीनरी ठीक हो गई है। गाड़ी कैसी चाहिए? गाड़ी गाड़ी मुझे एकदम ब्रांड न्यू चाहिए, चमकती हुई, जैसे मेरी पेंटिंग है ना, खूबसूरत सी, चमकती हुई, हसीन सी, ऐसी गाड़ी। हाय क्या याद दिला दिया जालिम। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे तेरी मर्जी की गाड़ी दिलाता हूँ, बल्कि उससे भी बढ़िया गाड़ी दिलाता हूँ। तू एक मिनट एक मिनट, ये तस्वीर का जिक्र नहीं करना बिल्कुल। नहीं कर रहा बाबा नहीं कर रहा, मैं तो खाली कह रहा हूँ कि वो कपड़ा जो है वो पोछन यार वो मुझे दे दे। वही मैं कह चुका हूँ, मुझे वो पोछन नहीं बेचना है। तुम 1,00,000 रुपये भी दोगे तो मुझे नहीं बेचना। और अब अगर तुमने अगर ये इस बात का जिक्र किया ना तो यार ये रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़ें भी थे। अच्छा पकड़ो कल आ जाना शोरूम पे, कलर तो पसंद करो गाड़ी का। ठीक है तस्वीर ही नहीं खींच रही है यार। कितनी मरतबा बता चुका हूँ, तुम भी तो यहाँ से लेफ्ट ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं ना कैमरा यार। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, कैमरा में जाओ तो। अच्छा राइट पे अलार्म है, लेफ्ट पे कैमरा है। अभी सीखना तो पड़ेगा ना, कुछ दिन लगेंगे तुम्हें। बहुत दिन लगेंगे, कुछ दिन होगा काम नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारे यहाँ चाय वाय तो आस्था रहने के, तुम बाहर चलते हैं यार। चलो खत्म करो, पसीने आ रहे हैं। सर तुम एक पिए हुए इंसान के घर कैसे आ गए? बकौल तुम्हारे तो मैं एक सटिया हुआ इंसान हूं। सॉरी ये तो कहने आई हूं सर, आप खुद सोचिए, रात के 2:30 बजे आप एक लड़की को कॉल करके दूसरी लड़की की बात कर रहे थे। हाँ ये बात मैंने गलत की कि मैं रात गए तुम्हें फोन किया और किसी दूसरी लड़की की बात शुरू कर दी। क्या करूं, मेरा दिमाग 2 नंबर ही होता जा रहा है। एनीवे और बताइए। अरे हाँ तुम्हें पता है मैं गाड़ी ले रहा हूं, बंगला ले रहा हूं। गाड़ी बंगला, लेकिन क्यों सर? अरे अगर वो यहां आएगी तो वो यहां तो नहीं रह सकती स्टूडियो में, कितनी बदबू आती है यहां पर। मुझे तो यहां कभी बदबू महसूस नहीं हुई सर, उसे क्यों होगी भला? भाई तुम एक अमीरजादी हो, एक आम सी लड़की, उसमें और तुम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। सर अभी तो वो आपको मिली भी नहीं और
आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो तुम क्या समझती हो कि वो मुझे नहीं मिलेगी? अरे मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि वो एक दिन मुझे जरूर मिलेगी, देखना। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। ओके सुनो, ये कब भी नहीं जाना। क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? तूने अच्छा नहीं किया यार, कम से कम मुझे दिखा तो देता हो तस्वीरें बेचने से पहले। क्या मैं मना कर देता? जो पैसे तू बोलता है मैं देता हूं। मेरी बात सुन, तेरा मसला यह है कि तू सिर्फ इस तस्वीर के पीछे पड़ा रहता है और यह मुझे बेचनी नहीं है। भाई मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने बेच दिया। कोई भी खरीदे, कोई भी लेकर जाए, उसमें मैं क्या करूं? अब तो मेरे बाप की तौबा है भाई, जो इस तस्वीर के बारे में मैंने बात भी की, मैं तो उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता भाई, मैं यूं करके बैठता हूँ। अच्छा एक बात मान जा भाई, नहीं देख यार, अगर तूने उस तस्वीर के कपड़े वाली बात की ना, तो मैं ये सारे रंग तेरे मुंह पे लगा दूंगा और ये बड़े पक्के होते हैं, ये उतरेंगे नहीं 2 महीने तक। अच्छा बाबा, नहीं कर रहा बात, लेकिन अब आइंदा जो भी काम तू बनाएगा, किसी को बेचने से पहले मुझे जरूर दिखाएगा। डन। मैंने ना इस कपड़े पे भी काफी रंग लगाए हैं और हाथ पोछे हैं, तो तुम ये खरीद लो, 20,000 रुपए का ले लो ये। 5 रुपए भी नहीं दूंगा। क्यों? ओ भाई, इस कपड़े में और उस कपड़े में बहुत फर्क है, इसके रंग देख, उसके कलर याद कर, तुझे पता नहीं क्या? तो मैं इस पे और रंग लगा देता हूं। चल फिर ठीक है, फिर मैं इसके 20 रुपए दे दूंगा। काम करने दे मुझे, मुझे पैसों की जरूरत है, ये तस्वीर बनाऊंगा तो पैसे मिलेंगे। वैसे ये अच्छा काम है पैसे कमाने के लिए। कंप्लीट, ये देखो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह यार, ग्रेट वर्क। अच्छा गिलिया 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 चिया, वेरी नाइस, गुड कलर्स। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मंगा यार। हाँ मैं बस आप पहुंच गया हूं, तकरीबन मैं पहुंच गया। हाँ। Hey, what a surprise! ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी नई गाड़ी, आओ मैं तुम्हें घुमा कर लाऊं। Why not? कमाल हो गया। ध्यान से सर, ध्यान से। कोई बात नहीं। Wow! अरे वाह, इसमें तो म्यूजिक सिस्टम भी बहुत मजे का है। सर, वैसे ये इनकलाब आया कैसे? सर, क्या सोच रहे हैं आप?
कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसा इनकलाब? यही कि आपको तो दौलत से घिन आती थी, कराहियत थी आपको दौलत से, फिर ये गाड़ी कहाँ से आई? हुमा, ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, उसके लिए कर रहा हूँ। ओह, तो ये सब आप उसके लिए कर रहे हैं सर? और ये भी काफी नहीं, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ करूँ ताकि मेरे हालात से बदबू आना बंद हो जाए। कैसी बातें करते हैं सर? सर ध्यान से आप, सर आगे देख के चलाइए ना सर, प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। चले कहाँ? जहां भी तू ले जाए, मैं तो चलने के लिए तैयार हूं। तुम तो वही हो। अरे हाँ बाबा, मैं वही हूं जिसे सारी दुनिया तलाश करती है। हम इंसान कितने ही तसव्वुरात को नज़रबंद कर लें, अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर को मगर कोई तब्दील नहीं कर सकता। चाहे हम जितने ही रंग भर दें, वो तस्वीर अल्लाह की होती है।